Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So moving to the same topic of a chapter, that is digestion in human beings from the chapter on nutrition and animals. So students, aapko yaad hoga, maine aapko previous lecture mein padhaya tha alimentary canal aur digestive glands ke bare mein, kyunki dono responsible hote hain human digestion ke liye, theek hai? Aur maine aapko ye bhi bola tha, hum compartments ke bare mein baat karenge, jo ki alimentary canal ke beech mein jo compartments aa jate hain, parts aa jate hain, like buccal cavity, स्टमक, ओएसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. मैंने आपको ये बोला था हम हर किसी पार्ट के बारे में बात करेंगे, इधर हर एक पार्ट में डाइजेशन कैसे हो जाती है, प्रोसेस कैसे होता है डाइजेशन का. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ एंड ब्यूकल कैविटी, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, उसमें माउथ में क्या होता है? टीथ, दांत होते हैं, टंग, जुबान होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या सिक्रेट करते हैं? सलाइवा सिक्रेट करते हैं. आपको पता है सलाइवा क्या होता है? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कभी हम क्या करते हैं, कभी है, जब हम टेस्टी फूड देख लेते हैं, मज़ेदार खाना देख लेते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं? वही पानी, वही फ्लूइड जो होता है, ठीक है ना, वो सलाइवा होता है, ठीक है ना? वो क्या होता है? वो सलाइवा होता है, जो कि कौन सिक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स. अब देखते हैं हमारे मुंह में जो है प्रोसेस कैसे होता है. फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. वी च्यू द फूड विदाउट टीथ एंड ब्रेक डाउन द फूड इन टू स्मॉलर पीसेस. आर माउथ हैज अ सलाइवरी ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट सलाइवा. सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इन टू शुगर. Tongue mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. This partially digests food then passes to esophagus. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं, हमने हमारी बॉडी में डालने के लिए हम पहले किस में डालते हैं? वो मुंह में डालते हैं, ठीक है ना? हम मुंह में डालते हैं वो, ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है. वो हम क्या फिर करते हैं, जब हम ये फूड मुंह में डालते हैं, हम उसको चबाते हैं. किनकी हेल्प से? दांतों की हेल्प से चबाते हैं. टीथ ही हमें हेल्प करते हैं खाना चबाने के लिए. और क्या करते हैं इस खाने को? इस खाने को छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, तोड़ देते हैं. आपने कभी देखा है ना, जब हम फॉर एग्जाम्पल बर्गर खाएंगे, हम मत बर्गर ऐसे ही उतार देंगे, स्वॉलो कर देंगे, निगल लेंगे, क्योंकि पहले इसको छोटे छोटे पीसेस में तो तोड़ना ही है. वो कौन हेल्प करता है? टीथ हेल्प करता है, ठीक है? फिर क्या होता है, हमारा जो माउथ है, हमारे जो माउथ है, हमारा जो मुंह है, उसमें क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सलाइवा सिक्रेट करते हैं. और ये सलाइवा क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है, मतलब जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसको किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है. जो कि फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम फूड मुंह में डालते हैं, जो कि टीथ चबाते हैं, और जो उस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना? हो गया ना मुंह में, मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला है डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, उनको वो मतलब क्या करता है? सिंपलर सबस्टेंस में कन्वर्ट करता है. यही हो गया ना, मुंह में डाइजेशन स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि सलाइवा जो है उसने क्या कर दिया, जो कि फूड में कार्बोहाइड्रेट्स मतलब स्टार्च प्रेजेंट था, उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया. फिर टंग क्या करती है? टंग जो है, जुबान जो है, वो क्या करती है? वो ये सलाइवा जो है, सीक्रेट जो किया होता है सलाइवरी ग्लैंड्स ने, उसको क्या करती है? फूड के साथ मिक्स करती है, जो कि हम चबाने के जो चबाने के दौरान जो टंग है, ये इस सलाइवा को इस फूड के साथ मिक्स करती है, जो इस फूड को मॉइस्ट बनाती है, मतलब गीला बनाती है, थोड़ा सा गीला कर देती है. फिर हमें आसानी से ये फूड निकल पाते हैं, समझ आया? फिर ये जो फूड है, ये निकल के कहाँ पास हो जाता है? ओएसोफेगस, ठीक है ना? मतलब फूड पाइप, समझ आ गया ना आपको? अब टीथ का क्या काम आ गया? टीथ का काम आ गया, इसने इस फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, ठीक है ना? और टंग का क्या काम आ गया? टंग ने क्या किया? इस सलाइवा को जब हम खाना चबाते हैं, इस सलाइवा को मिक्स कर देता है इस खाने के साथ, चबाने के दौरान इस खाने को मॉइस्ट कर देता है, फिर हम इसको आराम से निगल पाते हैं इस खाने को, ठीक है ना? और सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या किया? इसने जो सलाइवा सिक्रेट किया, इस सलाइवा ने क्या कर दिया? जो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट थे, इसको शुगर में ब्रेक डाउन कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. तो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं ओएसोफेगस मतलब फूड पाइप पे. तो द फूड पाइप स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक रीजन रन्स अंडर द चेस्ट एरिया. द फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द फूड पाइप. द पार्शली डाइजेस्टेड फूड मूव्स थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टमक. तो स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है, जो फूड पाइप है वो स्टार्ट कहाँ से हो जाती है? हमारी नेक जो होती है, नेक का जो एरिया होता है, उधर से स्टार्ट होती है, हमारे चेस्ट तक, चेस्ट के एरिया तक, चेस्ट
ठीक है ना, उधर तक होती है वो फूड पाइप। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमने खाना निगल लिया होता है वो फूड पाइप से पास होता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे की डायरेक्शन में जाता है, पास हो जाता है। और कहाँ, मतलब जो हमने खाना थोड़ा बहुत हजम हो गया होता है मुंह में, डाइजेस्ट हो गया होता है, पार्शली डाइजेस्ट हो गया होता है, वो फूड पाइप के थ्रू पास हो जाता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में पहुँच जाता है, मतलब हमारे म्यादे में पहुँच जाता है। और फिर हमारे स्टमक में आगे फर्दर कैसे प्रोसेस होता है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा ब्यूकल कैविटी और ओएसोफेगस के में प्रोसेस कैसे होता है। इसको अब ध्यान से अच्छे से समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।